मिरांदे, अभी आप बिल्कुल यंग हैं, बहुत लंबा एक अच्छा बड़ा करियर आपके सामने है। और मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि अवार्ड्स के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो ये जब अवार्ड्स के मिलने का सिलसिला शुरू होता है तो कई सारे सपने भी जगते हैं। क्या हैं आपके सपने? जी, अवार्ड्स जब मिलते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके काम की सराहना हो रही है, आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है, यू आर गेटिंग द क्रेडिट एंड द क्रेडिबिलिटी बोथ। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है जब आपको यू नो अवार्ड्स देते हैं या आपको अप्रिशिएट करते हैं। बट जो मेरा सपना है वो एक तो ये है कि मेरा जो गॉड गिफ्ट है, माई म्यूजिक, माई वॉइस, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि आप जब गाती हैं तो हमारे दिल को छूता है। तो ये जो कुछ लम्हे का कनेक्शन मैं उनके साथ बनाती हूँ मेरे म्यूज़िक के थ्रू, वो मैं ज़्यादा लोगों के साथ कर पाऊँ। और भले ही वो चंद मिनटों के लिए या चंद लम्हों के लिए हो, बट मैं उनके दिल में या उनके जहन में एक छाप छोड़ के जाऊँ और उनके दिल को थोड़ा सा सुकून दे जाऊँ। तो ये एक सपना है। और दूसरा सपना ये भी है कि मेरा जो कनेक्शन है म्यूज़िक के साथ, जब मैं गाना गाती हूँ तो वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एक डिविनिटी का आभास होता है। यू नो इट्स नॉट लाइक कॉन्स्टेंट फीलिंग कि आप पूरा टाइम जब गा रहे हो तब आपको वो कनेक्शन फील होता है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कभी कभी होता है कि यू बिकम द म्यूज़िक, आपके थ्रू म्यूज़िक हो रहा है और आप मैं नहीं रहता, वो आई जस्ट डिजॉल्व्स इन म्यूज़िक। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एवरी म्यूजिशियन और सिंगर ट्राइज टू अचीव, आर्टिस्ट आई वुड से, नॉट जस्ट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स बट एवरी आर्टिस्ट ट्राइज टू अचीव दैट डिविनिटी थ्रू देयर क्राफ्ट। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ माई ड्रीम्स कि वो जो डिविनिटी का कनेक्शन है वो मैं कुछ लम्हों से थोड़ा सा लंबा 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 करके ज़्यादा उसको जी सकूँ। सूफी का एक पक्ष रह गया है अभी आपकी गायकी का, तो मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ ऐसा सुनाएं सूफी संगीत से जुड़ा हुआ जो आपको अच्छा लगता हो। जी बिल्कुल, एक पंजाबी सूफी गाना है जो कि मैं आपको सुनाना चाहूंगी। काका सब तन खाई ओ मोरा चुन चुन खई ओ मांस, काका सब तन खाई ओ मोरा चुन चुन खई ओ मांस, दोने मिरांदे, हम आपको शुभकामनाएं दें, इस इंटरव्यू को खत्म करें उससे पहले एक गुजारिश है, और गुजारिश है कि चूंकि सारी फरमाइशें मेरी हो गई तो संभवतः जो कुछ आप सुनाना चाहती रही हो वो छूट गया हो, तो कोई ऐसी चीज जो आप सुनाना चाहती हैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को, रागगिरी के दर्शकों को, जरूर सुनाइए, ये मंच अब आपका है। थैंक यू शिवेंद्र जी, डेफिनेटली मैं सुनाना चाहूंगी एक बहुत ही खूबसूरत चीज जो सावन के ऊपर है, वो आपको सुनाना चाहूंगी। अम्बवा तले डोला,
रख देने हर आई सावन की बहार रे आई सावन की बहार रे अम्बलवा तले डोला रख दे क्या कहने हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मिरांदे, आपने हमारे लिए समय निकाला और ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा मैंने कहा था कि आपका जो ये संगीत पक्ष है वो और सशक्त हो, आपके अंदर जो अलग अलग संगीत की जो अलग अलग विधाएं हैं उनको जो आपका अप्रोच करने का तरीका है वो और मजबूत हो, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन शिवेंद्र जी कि आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया और मेरे म्यूजिक को सुना। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी, इनवाइटिंग मी ऑन राग गिरी, और थैंक यू फॉर योर विशेस, आपके ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया। और मैं राग गिरी को भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ये मंच बहुत बहुत आगे बढ़े और हम जैसे कलाकारों को इसका मौका मिले। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।